हाय, आज हम लोग करने वाले हैं अपने कॉलेज कंपैरिजंस का वीडियो नंबर 2 और आज हम लोग कंपेयर करेंगे जीएमसी श्रीनगर विद एम्स भोपाल। और इस वीडियो के लिए हमारे साथ है इजान शबीर जो कि एम्स भोपाल में सेकेंड ईयर एमबीबीएस की अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और मैं तो साथ में हूँ ही निहायत फारूक जो कि एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की अपनी पढ़ाई जीएमसी श्रीनगर से कर रहा है। तो देखते हैं कि इन दोनों कॉलेजेस में क्या सिमिलर है, क्या डिफरेंसेस है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। दिस इज जीएमसी श्रीनगर वर्सेज एम्स भोपाल। और हाँ, इजान भाई की अपनी खुद की यूट्यूब चैनल भी है जहाँ वो नीट एस्पिरेंट्स को गाइड और एजुकेट करते हैं, तो आप उनकी चैनल जरूर चेकआउट करिएगा। अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज, नीट 2023 का एग्जाम अभी कंडक्ट हुआ है और अभी हर कोई अपना स्कोर कैलकुलेट करना चाहता है, तो ऐसे टाइम पे आपको चाहिए एक ट्रस्टेबल सोर्स जो कि सबसे पहले हाईएस्ट एक्यूरेसी के साथ आपको फास्टेस्ट आंसर की और साथ में नीट 2023 का रैंक प्रिडिक्शन और कॉलेज प्रिडिक्शन भी दे। And for that we have Motion Education. जिन लोगों को already नहीं पता, Motion कोटा का एक leading coaching institute है जो हजारों students को NEET, JEE Mains, JEE Advanced, Olympiads, Boards और KVPY जैसे exams के लिए prepare कराता है। कुछ stats की बात करें तो Motion Learning app has around 1 million users each month and over 5 million views on YouTube. Motion Education से 70% students इस साल JEE Advanced 2023 के लिए qualify कर चुके हैं और NEET का selection ratio 90% से भी ज्यादा है। तो 100% एक्यूरेसी के साथ अपना नीट 2023 स्कोर कैलकुलेट करने के लिए मोशन एजुकेशन की बनाई हुई पेपर की चेक करो और साथ में नीट 2023 रैंक प्रिडिक्टर और कॉलेज प्रिडिक्टर यूज करो ताकि आप अपने रैंक और कॉलेज के बारे में आइडिया ले सको। ये सभी लिंक्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, डू चेक देम आउट। अब बाकी वीडियो पे वापस आते हैं। हाय इजान भाई, कैसे हैं आप? हाय निहायत भाई, बस मैं बढ़िया, आप बताओ कैसी चल रही है लाइफ? मैं भी बढ़िया हूँ। तो सबसे पहले आज दिन का पहला क्वेश्चन जिसे हम स्टार्ट कर रहे हैं कि आज आप कैसे हैं और आजकल क्या चल रहा है आपकी इसमें इन जनरल डे टू डे शेड्यूल में? अभी तो मैं बढ़िया हूँ, सिंस अभी रोजे चल रहे हैं तो बस वही चल रहा है। कल रात को शब किया तो 3 घंटे सो के अभी आ गया वीडियो रिकॉर्ड करने, फिलहाल वही चल रहा है और इसके बाद ईद पे घर आएंगे। बाकी पढ़ाई भी थोड़ी बहुत चल ही रही है। हमारे साथ भी यही चल रहा है फिलहाल, यहाँ से भी हम भी रोजों के साथ बिजी हैं और पढ़ाई भी साथ में हो रही है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, आप वैसे तो अभी सेकंड ईयर में, लेकिन जब आप फर्स्ट ईयर में अपना, जब आपने कॉलेज ज्वाइन किया था, तो सबसे पहले आप हमें अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपका फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज कैसा था, हॉस्टल कैसा था, आपका एक्सपीरियंस कैसा था कॉलेज में? अब सिंस मुझे राउंड वन में कॉलेज अलॉट हो गया था बट मैंने ज्वाइन नहीं किया था, तो मुझे कंफ्यूजन था कि मैं जीएमसी श्रीनगर जाऊँ या इस कॉलेज में हूँ। तो फिर फाइनली मैं राउंड 2 में आया था। तो अब कॉलेज में फर्स्ट डे जब मैं गया तो 1 महीने से कॉलेज यहाँ पे चल रहा था, तो पहली क्लास एनाटॉमी की थी एंड उसमें ब्रेकियल प्लेक्सस चल रहा था। 1 घंटे तक मैं बस बोर्ड पे घूम रहा हूँ कि ये मैम क्या बना रही है, कहाँ से ब्रांचेस निकाल रही है। तो ये तो कॉलेज का फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस था, चीजें समझ नहीं आ रही थी कि चल क्या रहा है। फिर लास्ट पे एक स्टार्टिंग के 1 महीने में फाउंडेशन क्लास होती थी तो उसको देख के थोड़ा इंटरेस्टिंग लग गया, यार चीजें तो आसान है। देन हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल में तो स्टार्टिंग में इंटरेक्शन ही चलता है थोड़ा बहुत। तो फर्स्ट डे ऑफ हॉस्टल में अभी जो फ्रेंड्स थे मेरे तो उन्होंने कहा सीनियर्स को इंट्रो भेजना है, एंड देन मुझे टास्क मिला था कि भाई तू डांस करके दिखा। तो मैं उनको बोल दिया कि मुझे डांस करना नहीं आता, एंड ही वाज लाइक कि तुझे आता है बस तुझे पता नहीं है। एंड फिर मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करके उनको भेजा एंड देन उसका रिप्लाई आता है कि भाई दोबारा कभी तू डांस मत करना। तो ऐसा हॉस्टल का फर्स्ट डे था मेरा। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग रहा है आपका फर्स्ट डे। और जैसा कि आपने बोला आप कंफ्यूज हो रहे थे कि आप एम्स भोपाल सेलेक्ट करें या जीएमसी श्रीनगर, तो उसी कंफ्यूजन को जब फिर आपने फाइनली क्लियर किया और आप फिर एम्स भोपाल गए, तो आपको क्या सबसे यूनिक चीज लगी अपने कॉलेज के बारे में, क्या चीज आपको लगती है जो आपके कॉलेज में यूनिक है जिसकी वजह से आपने फिर डिसाइड किया कि आप एम्स भोपाल ही जा रहे हैं? एम्स का मुझे एक यूनिक पॉइंट लगता है कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है एंड प्लस 11th 12th में मैंने जो पढ़ाई की थी तो मैं अपने सेपरेट रूम में पढ़ाई करता था। तो इधर मैंने देखा कि ऑनलाइन मैंने देखा था कि फर्स्ट ईयर से ही हर बच्चे को अपना एक अलग रूम मिलता है, तो वो चीज मुझे प्लस पॉइंट दिखा। और रिसर्च में भी यहाँ बहुत ज्यादा एम्फेसिस किया जाता है राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, और बाकी भी फैसिलिटीज मुझे लगा कि इधर ज्यादा होंगी। प्लस ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आएंगे तो विल गेट टू लर्न अलॉट फ्रॉम द डाइवर्सिटी। तो ये रीजंस मुझे लगते हैं कि दीज आर यूनिक अबाउट द एम्स। अपने टाइम जब मैं कॉलेज सेलेक्ट कर रहा था तो मैं भी इसी चीज में डिसाइड कर रहा था कि पेरिफेरल एम्स किसी में चला जाऊं या फिर जीएमसी श्रीनगर जाऊं। और फिर जैसा कि आपने बोला कि आप हॉस्टल तरीके के एनवायरनमेंट के साथ ही थे, तो इसीलिए आपने फिर डिसाइड किया कि आप आगे भी परस्यू करेंगे। वैसे मेरे साथ इसका उल्टा था कि मैं बचपन से ही अपने घर में ही पढ़ाई कर रहा था, अपने साथ ही घर वालों के साथ ही रह रहा था और नीट की भी प्रिपरेशन मैंने घर में ही की थी। तो फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि काफी लंबा कोर्स है एमबीबीएस, तो इसीलिए मैं घर पे ही रहना पसंद करूंगा, इसीलिए फिर मैंने अपने ही होम टाउन में जीएमसी श्रीनगर में ये कर लिया। और अभी भी मुझे थोड़ा ये होता है कि वहां जाना चाहिए था, यहाँ जाना चाहिए था। आई गेस आई विल फाइंड आउट सून।
वैसे मैं तो अभी अपने कॉलेज में नया हूँ, आप तो फिर भी सेकेंड ईयर में, तो आपको कॉलेज में काफी टाइम हो गया, आपने कॉन्टैक्ट्स भी बिल्ड किए होंगे होंगे कॉलेज में, आपके फ्रेंड सर्कल्स बने होंगे, तो कैसा रहा था आपका प्रोसेस फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, कैसे आप कॉन्टैक्ट्स वगैरह बना रहे थे कॉलेज में, फ्रेंड सर्कल, ये सारी चीजें? तो देखो, स्टार्टिंग में जब हम ज्वाइन करते हैं एज ए फ्रेशर, तब तो इंटरेक्ट ही करना होता है सीनियर्स के साथ बातचीत। तो आई थिंक कि उस टाइम हम जितना ज्यादा इंटरेक्ट करेंगे तो लॉन्ग टर्म में वो बॉन्ड उतना ही ज्यादा बिल्ड होता है। उसके सिवा कॉलेज में फेस्ट वगैरह होते रहते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, कोई भी कल्चरल इवेंट है तो उसमें हम जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें एक्टिवली हम जितना पार्टिसिपेशन करेंगे, बाकी जितने लोगों से मिलेंगे, तो आई फील लाइक उसी से एक कनेक्शन बिल्डअप हो जाता है। एंड अल्टीमेटली बैचमेट्स में भी हम अपना एक ग्रुप ढूंढ ही लेते हैं जिसमें वी आर मोर कम्फर्टेबल, वेयर वी कैन बी आवर सेल्व। तो विद टाइम आई मीन लाइक 3-4 महीने के अंदर 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 हमें पता चल जाता है कि किस टाइप का फ्रेंड सर्कल हमारा बनेगा, एंड अल्टीमेटली वी गेट इनटू दैट जोन। हाँ, हमारे साथ भी यही हुआ था कि जो सबसे पहले तो इंसान वो अपना फ्रेंड सर्कल ढूंढ लेता है, तो वो भी मैंने तो ढूंढ लिया फ्रेंड सर्कल, हम 5-6 लोगों का फ्रेंड ग्रुप है, उसी में साथ में होते हैं हम मोस्ट ऑफ द टाइम। और जो स्पोर्ट्स फेस्ट वगैरह है वो सारी चीजें भी मैं ट्राई कर रहा हूँ उसमें पार्टिसिपेट करने की। रिसेंटली एक बास्केटबॉल का भी स्पोर्ट्स ये टूर्नामेंट हुआ था, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। तो इससे क्या होता है कि मैंने भी नोटिस किया कि जो सीनियर्स वगैरह है उससे मेरी उनके साथ इंटरेक्शन इसी चीज से बढ़ रही है कि जिन सीनियर्स का सेम इंटरेस्ट है उन्हीं सीनियर से जब मैं उनके साथ इन चीजों में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ तो फिर उन्हीं के साथ फ्रेंडशिप्स आगे बढ़ रही है। इसी तरह कॉलेज में मेरे भी कनेक्शंस धीरे धीरे अभी बढ़ रहे हैं। अब आप अपने घर में नहीं है, हॉस्टल में है, तो भोपाल में आप नए हैं, वहां पर आपको एक्सप्लोर वगैरह भी करना है बहुत सारी चीजें, तो आपका ट्रिप शेड्यूल वीकेंड्स संडेज कैसा रहता है, क्या आपने चेंज किया है? फर्स्ट ईयर में कैसा था, सेकेंड ईयर में अब आपने उसको कैसे चेंज किया है, क्या आप कैसे बैलेंस मेंटेन करते हैं आप स्टडी और एंजॉयमेंट का? तो फर्स्ट ईयर में तो बहुत ज्यादा ट्रिप्स वगैरह हम वीकेंड्स पे करते थे। अभी जो फ्रेंड सर्कल था तो उसमें 9-10 लोग हैं, कभी किसी का बर्थडे आ जाता था तो वीकेंड पे बर्थडे ट्रिप्स होती थी, या आसपास कोई डैम लेक वगैरह देखने के लिए चले गए, वाटर पार्क वगैरह में फर्स्ट ईयर में जाते थे। फिर हमारे जब फर्स्ट ईयर के प्री प्रॉफ्स थे तो उसके बाद मुंबई चले गए थे हम, देन प्रॉफ्स के बाद भी हम मसूरी वगैरह चले गए थे घूमने। अभी सेकेंड ईयर की तो जस्ट स्टार्टिंग ही हुई है तो इसमें तो अभी उतना ज्यादा घूमे नहीं, बट Hopefully we will explore a lot of places in the coming time. ये एक चीज मैंने पर्टिकुलरली मैंने और मेरे दोस्तों ने नोटिस किया कि जो लोग हॉस्टल में जाके फिर अपना MBBS परस्यू करते हैं, वो जो लोग अपने घर में पढ़ रहे होते हैं उनसे ज्यादा मजे करते हैं, क्योंकि घूमने को भी ज्यादा मिलता है और नई सिटी में एक्सप्लोर भी ज्यादा चीजें करते हैं। और जब इंसान अपने घर पे ही होम टाउन में होता है तो मैक्सिमम चीजें उसने ऑलरेडी देखी हुई होती है, तो उतना ज्यादा घूमने पे फोकस नहीं करता है। तो ये चीज मुझे हॉस्टल की ज्यादा एडवांटेज लगा, और मेरे जो दोस्त अभी हॉस्टल में उनकी चीज स्टोरीज वगैरह देख के मैं नोटिस कर रहा हूँ मजे वो लोग ज्यादा कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज है। अब जब आपने कॉलेज में आपने ये लगभग 2 साल का टाइम बताया, तो क्या फैसिलिटीज आपको ऐसी अपनी कॉलेज में मिली जो आपको लगा यूनिक है, आउट ऑफ द बॉक्स है, बेस्ट है? लाइक आउट ऑफ द बॉक्स बॉक्स का तो पता नहीं, बट आई फील लाइक देखो फर्स्ट ईयर से हर बच्चे को अपना एक अलग रूम मिल रहा है, बाकी हर कोई फैसिलिटी अवेलेबल है, बी इट एकेडमिक फैसिलिटी, या स्पोर्ट्स के रिलेटेड बात करें तो सारी ही फैसिलिटीज लगभग यहाँ पे अवेलेबल है। एंड जस्ट जैसे मैंने पहले भी कहा कि रिसर्च के लिए बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा है यहाँ पे, तो ये चीजें मुझे लगती है कि कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है और यूनिक है इस कॉलेज के बारे में। हमारे कॉलेज की बात करें तो हमारे कॉलेज में भी हर एक चीज मोर और लेस अवेलेबल है, और अभी मैं एक्सप्लोर करते जा रहा हूँ कॉलेज में, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे कॉलेज में, 5 से 6 महीने के अराउंड है, और अभी मैं और चीजें एक्सप्लोर कर रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे मैं और चीजें ढूंढ रहा हूँ और चीजें मुझे इंटरेस्टिंग मिलती जा रही है कॉलेज के लिए, अपने कॉलेज के रिलेटेड, तो वो भी अच्छी चीज है। अब आपकी प्रेपरेशन नीट की प्रेपरेशन डेज जो थे वो अभी से 2 साल पुराने, तो आप अभी भी अपने प्रेपरेशन डेज को मिस करते हैं या फिर अभी आपको ज्यादा मजा आ रहा है इन लाइफ? इट्स नॉट एग्जैक्टली मिस तो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी एक नया फेज स्टार्ट हुआ है तो इसके भी अपने अलग ही प्लस पॉइंट्स हैं, बट कभी कभी वो सोच के याद आता है कि यार वो जो 2 साल की जर्नी थी तब तो लग रहा था कि पता नहीं क्या कर रहे होगा भी या नहीं, बट अभी जब उस फेज को हम देखते हैं कि कितनी ज्यादा मेहनत की थी, तो अभी लग रहा है कि यार एक टाइम पे हम कितनी ज्यादा मेहनत किया करते थे, और अभी MBBS में कि नो डाउट मेहनत तो वही करते हैं, बट अभी क्या है कि उस फेज में बस एक चीज थी कि बस नीट क्रैक करना है और नीट क्रैक करना है, अभी वो प्रायोरिटी नहीं है, अभी बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करनी है और साथ में पढ़ाई भी है, तो कभी कभी उन चीजों की याद आती है, बट आई वोंट से कि आई एम मिसिंग दैट फेज। हाँ ठीक है। मेरे साथ अगर बात करें तो ये चीज मुझे भी लगती है कि उस टाइम अभी उस बारे में सोच के ऐसे लगता तो है कि तब भी कुछ चीजें अच्छी होती थी, लेकिन एक चीज जो डिफरेंट है कि प्रेपरेशन के टाइम इंसान को बहुत मोनोटोनस रहना पड़ता था, सिर्फ प्रेपरेशन ही एक चीज थी लाइफ में, और बाकी कोई भी चीज हो अच्छी या बुरी सब कुछ डिस्ट्रैक्शन था।
और अभी इंसान अगर अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करता है तो वो एक अच्छी चीज है, पॉजिटिव चीज है। और इंसान अभी अगर मोनोटोनस रहेगा कॉलेज में तो वो एक डिसएडवांटेज है। और कॉलेज में 5-6 साल वही अच्छे से ज्यादा सर्वाइव कर पाएगा जो डिफरेंट चीजों को एक्सप्लोर करेगा, डिफरेंट हॉबीज इंटरेस्ट वो सारी चीजें डेवलप करेगा। तो ये एक अच्छी चीज है, इंसान को लाइफ थोड़ी एंटरटेनिंग बनाने का मौका मिलता है। तो अब एक अच्छा सवाल है मेरे पास कि अगर आप अपनी काउंसलिंग के टाइम में वापस जा पाए तो क्या आप अपनी कॉलेज प्रेफरेंस को चेंज करेंगे या कोई और चीज डिसाइड करेंगे अपने लिए? नहीं, आई वॉन्ट सी कि मैं चेंज करूंगा, क्योंकि ये कॉलेज मुझे अभी बहुत अच्छा लग रहा है, सो आई वॉन्ट चेंज इफ आई गो बैक इन टाइम। मेरा भी आंसर मुझे लगता है सेम ही रहेगा, अभी कॉलेज मुझे काफी ठीक लग रहा है अपना, तो चेंज करने की बात नहीं आती है मेरे दिमाग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ईयर MBBS अपना कंप्लीट करने के बाद कैसे डिफाइन करेंगे आपके, हाउ वाज योर फर्स्ट ईयर ऑफ MBBS? फर्स्ट ईयर MBBS इट वॉज लाइक ए रोलर कोस्टर राइड। अगर स्टार्टिंग के मैं 3-4 महीनों की बात करूँ तो तब कभी कभी होमसिक भी फील होता था, स्पेशली वीकेंड के बाद जब मंडे को सुबह उठना पड़ता था तो बहुत अजीब सी फीलिंग होती थी, यार फिर से कॉलेज जाना है जस्ट फॉर द सेक ऑफ अटेंडेंस, क्योंकि पढ़ना तो खुद ही होता है कॉलेज में, उतना कुछ समझ नहीं आता। तो स्टार्टिंग का फेज थोड़ा वैसा था, फ्रेंड सर्कल और भी अच्छा हो गया, फिर ट्रिप्स पे जाने लगे, वीकेंड्स पे घूमने लगे, तो फिर बीच वाला जो फेज था उसमें बहुत ज्यादा मस्ती की, पढ़ाई भी साथ साथ में की, एंडिंग फेज में एग्जाम्स थे तो उसमें चला गया। तो ओवरऑल ये एक रोलर कोस्टर राइड थी, बहुत कुछ इसमें सीखने को मिला जो शायद 12th का, अगर मैं अपने टाइम में वापस चला जाऊं तो 12th में जैसा मैं था और अभी मैं जैसा हूं, तो बहुत चेंजेस है उसमें। आई फील लाइक कि फर्स्ट ईयर के अंदर अंदर ही मेजर चेंजेस आए हैं। हाँ ठीक है, इसी सवाल को अगर और एक्सटेंड करें तो फर्स्ट ईयर MBBS से अभी जब आप सेकंड ईयर में पहुंच गए तो क्या आपके रिग्रेट्स हैं फर्स्ट ईयर MBBS से, और क्या आपने अच्छी चीजें की हैं, आपके अच्छे डिसीजंस हैं जो आपने फर्स्ट ईयर में लिए थे? अच्छे डिसीजंस की बात करें तो एक मेजर चीज ये थी कि सारा टाइम पढ़ाई को नहीं देना है, अब बैलेंस बनाकर चलना है, कॉलेज में अपनी पर्सनालिटी बिल्ड करनी है, हॉबीज पे और ज्यादा ध्यान देना है, एक्स्ट्रा करिकुलर्स में पार्टिसिपेट करना है, तो ये जो बैलेंस बनाना था आई फील लाइक कि ये चीज मैंने सीखी है कॉलेज में आके, एक एडवांटेज था। बाकी रिग्रेट आई डोंट थिंक कि कोई रिग्रेट रहा। ये काफी अच्छी बात है कि आपको फर्स्ट ईयर से कोई रिग्रेट्स नहीं हुए। मेरी अगर बात करें तो मेरा फर्स्ट ईयर MBBS अभी चल ही रहा है, तो 6 महीने हो चुके हैं। 6 महीने बाद आपको सब लोगों को अपडेट मिलेगा कि हाउ वाज माय फर्स्ट ईयर ऑफ MBBS। अगर जैसे कि मैं भी फर्स्ट ईयर में हूँ तो मेरे जैसे ही और भी लोग जो फर्स्ट ईयर में हैं उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप फर्स्ट ईयर में सर्वाइव करने के लिए, या क्या चीजें उनको करनी चाहिए फर्स्ट ईयर में? तो फर्स्ट ईयर वालों के लिए मैं ये कहूंगा कि जब आप स्टार्टिंग में कॉलेज में जाते हैं तो इंटरेक्शन करने से डरो मत, ऐसे रूम में छुपे मत रहो, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए यू विल फील आइसोलेटेड इन योर ओन कॉलेज। तो मिलो सीनियर से, पहले कुछ दिन हो सकता है आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे, बट बिलीव मी कोई आपको परेशान करने के लिए वहां पे नहीं है, हर कोई आपके साथ फ्रेंडली होना चाहते हैं। स्टार्टिंग का जो इंटरेक्शन है दैट इज जस्ट कि आप ओपन अप हो जाओ, तो इंटरेक्ट करो जितना ज्यादा हो सकता है सीनियर्स के साथ, अल्टीमेटली वही लोग आपकी हेल्प करने वाले हैं एग्जाम से पहले। पढ़ाई को लेके इतना ज्यादा स्ट्रेस मत लेना, क्योंकि MBBS है ही ऐसा कि पूरा सिलेबस आप कभी भी कवर नहीं कर सकते, सो एक बैलेंस बनाकर चलो, कंसिस्टेंटली पढ़ो थोड़ा सा और बाकी चीजें भी एक्सप्लोर करो, जितनी ज्यादा चीजें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं फर्स्ट ईयर में उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। यू वोंट एवर रिग्रेट सेइंग यस टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये फर्स्ट ईयर वालों की बात हो गई। अब आपने नीट में भी आउट परफॉर्म किया था जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, तो जो अभी लोग अपनी नीट प्रिपरेशन में हैं उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप अपनी, कि नीट प्रिपरेशन के रिलेटेड एडवाइस? अगर इन जनरल बात करें तो उनके लिए कुछ एकेडमिक एडवाइस अगर मैं कहूँ तो बायोलॉजी में यार NCERT पे ही फोकस करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, फिजिक्स में जितना अच्छे से कंसेप्ट समझ सकते हो समझ लो, फिर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक में बायो की तरह करना है, फिजिकल केमिस्ट्री में सेम एज फिजिक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिख लिख के चीजें याद करो, चीजें भूल दी जाएंगी तो रिवाइज फ्रीक्वेंटली, मॉक टेस्ट देते जाना। बाकी अपार्ट फ्रॉम दिस आर कोई एडवाइस दूं तो सोशल मीडिया पे ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, टू पुट इट स्ट्रेट किसी भी लड़की वगैरह के चक्कर में स्पेशली ऑनलाइन इस टाइम पे तो मत ही पढ़ना, यू विल रिग्रेट अ लॉट एट द एंड। और अब अगर मुझे नीट एडवाइस देनी होगी नीट एस्पिरेंट्स को, तो मेरी एडवाइस रहेगी कि इजान भाई ने जो एडवाइस दी थी उसको अच्छे से फॉलो करना। तो नेक्स्ट चीज ये रहेगी कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर भी आपने थोड़ा एक्सपीरियंस कर लिया और फर्स्ट ईयर पूरा एक्सपीरियंस किया, तो आपके ओपिनियन में क्या ज्यादा बेटर है, किस ईयर में आपको ज्यादा मजा आ रहा है? अभी तो सेकंड ईयर का बस थोड़ा ही पार्ट देखा है, बट आई फील लाइक सेकंड ईयर के सब्जेक्ट्स ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हैं मुझे। और अभी मैं फर्स्ट ईयर में ही हूँ तो मेरे लिए सवाल वैलिड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर आपको अपने कॉलेज को रेट करना होगा आउट ऑफ 10 तो क्या रेट करेंगे आप अपने कॉलेज को? इस केस में तो आई वुड बी अ बिट बायस्ड, बट आई वुड रेट इट 9 out of 10। 1 mark इसलिए कटा क्योंकि यहाँ अभी स्विमिंग पूल नहीं है एंड हर एक रूम में अभी वाईफाई की फैसिलिटीज नहीं है, अगर वो होती है तो
आई विल गिव इट 10 आउट ऑफ 10. मुझे अगर अपने कॉलेज को रेट करना होगा तो आई विल गिव इट अ सॉलिड 8 आउट ऑफ 10. एक रैपिड फायर राउंड करते हैं जिसमें मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा और आप आंसर देंगे इन वन सेंटेंस और लेस. ठीक है, पहला क्वेश्चन, पढ़ाई कैसी जा रही है? ठीक ठाक. और अगर मैं बात करूं कि मेरी पढ़ाई कैसी जा रही है इन वन वर्ड, तो ठीक ठाक वुड बी द आंसर. फेवरेट सब्जेक्ट एज ऑफ नाउ? पैथोलॉजी. और फेवरेट सब्जेक्ट एज ऑफ नाउ वुड स्टिल रिमेन फिजियोलॉजी. मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट ऑफ योर कॉलेज, इफ एनी? एम्बैरेसिंग मोमेंट फर्स्ट ईयर का था, तो फर्स्ट ईयर में हिस्टोलॉजी का मैनुअल बन, हिस्टोलॉजी की डायग्राम्स बनानी पड़ती है, तो स्टार्टिंग में कुछ डायग्राम्स थी मेरी, उनमें एक दो बार एड्रॉ मिला था, तो लास्ट पे मैंने डायग्राम बना ली थी. अब लेकिन चेक करने के लिए अगर मैं मैम के पास जाता, एचओडी मैम का वो टॉपिक था, तो उसमें लेट सबमिशन मिलता है, तो मैंने क्या कर दिया था कि मैंने मैम के साइन खुद ही कर दिए थे, जो कि लेटर ऑन मैम को पता चला एंड मैम आस्क्ड कि बेटा ये साइन किसके, तो दैट वाज एन एम्बैरेसिंग मोमेंट फॉर मी, क्योंकि मैम की नजरों में मैं एक ओबीडिएंट बच्चा था. ये चीज हिस्टोलॉजी में हर किसी ने कभी ना कभी तो की होगी, इसमें सब क्रिमिनल्स हैं. और मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट कॉलेज में, अभी कुछ खास तो हुआ नहीं इस रिलेटेड एम्बैरेसिंग मोमेंट. हाँ, एम्बैरेसिंग मोमेंट हुआ था कॉलेज में, मुझे अब याद है. एम्बैरेसिंग मोमेंट में एक जो हमारी बायोकेमिस्ट्री टीचर है, उनने क्लास में मेरे को पॉइंट किया था और मेरी यूट्यूब चैनल के बारे में पूछा था, तो वो चीज थोड़ी फनी हो गई थी, एम्बैरेसिंग नहीं थी बट फनी थी. उनने भी वीडियो देखा था इसका, यूट्यूब चैनल का. ठीक है, और अगर बेस्ट मोमेंट इन योर कॉलेज, इफ एनी? तो बेस्ट मोमेंट फॉर मी आई थिंक इज सेकेंड ईयर में जब क्लिनिकल पोस्टिंग स्टार्ट हुई थी, तो हम हॉस्पिटल गए, वहाँ बहुत सारी चीजें सीखी, वहाँ पेशेंट्स को डिस्चार्ज होते हुए देखना, वो स्माइल उनके चेहरे पर, तो अभी तक तो मुझे वही बेस्ट मोमेंट लगता है खुद के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये फील्ड बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग, तो इसलिए आई कंसिडर इट द बेस्ट मोमेंट टिल नाउ. काफी इंस्पायरिंग है. और अगर मैं अपने कॉलेज में बेस्ट मोमेंट की बात करूं, तो मेरे हिसाब से फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज वही बेस्ट मोमेंट होता है. तब इंसान के होप्स काफी हाई होते हैं और काफी ज्यादा खुश होता है, हर कोई होता है फर्स्ट डे पे काफी खुश. अब एक गेम खेलते हैं, वैसे तो हम एक और गेम खेलेंगे, लेकिन उससे पहले एक नया आइडिया मुझे आया है, क्योंकि आपके नीट एग्जाम में 2 साल से ज्यादा टाइम हो गया, तो हम लोग देखेंगे कि कितने नीट वाले क्वेश्चंस आप अभी आंसर कर पाएंगे. तो पहला क्वेश्चन ये है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल कौन सा है? क्लोरीन. दैट्स करेक्ट. ठीक है, सैकरम बारबेरी एंड सैकरम ऑफिसिनेरम आर वेराइटीज ऑफ? ऑप्शन है राइस, वीट, मेज या शुगर केन? वीट. नहीं, शुगर केन. ठीक है, MOET का फुल फॉर्म क्या होता है? मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर. हाँ, दैट्स करेक्ट. ठीक है, तो 3 में से 2 क्वेश्चंस आपने करेक्ट बोल दिए आफ्टर 2 इयर्स ऑफ प्रिपरेशन, विच इज वेरी इंप्रेसिव. अब वीडियो के कॉलेज कंपैरिजन के रिवाज के अनुसार हम वो गेम खेलेंगे जिससे हम सारी वीडियो एंड करते हैं, वो है एटलस. तो आप किसी भी कंट्री से स्टार्ट कर सकते हैं. न्यूजीलैंड, डेनमार्क, कीनिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान. गेम ओवर. ठीक है, तो मैं जीत गया. और एन से कोई कंट्री अगर सोचे तो नेपाल एक कंट्री थी मेरे दिमाग में आ रही थी. पिछली बार मैं बुरी तरह हार गया था, तो इस बार मैं जीत चुका हूँ. 1-1 टाई हो चुका है, अगली बार का देखते हैं कौन जीतता है. ठीक है, ये था हमारा कॉलेज कंपैरिजन बिटवीन एम्स भोपाल एंड जीएमसी श्रीनगर. अब मैं चाहूंगा कि इजान भाई कंक्लूड करें इस वीडियो को किसी भी एक मैसेज से जो वो देना चाहेंगे इन जनरल टू द ऑडियंस. तो क्योंकि मेजोरिटी ऑडियंस नीट बेस्ड है, तो यार अच्छे से पढ़ाई करते रहो, अभी नीट 2023 आने वाला है, तो ज्यादा मस्ती मत करना, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, बाकी मोटिवेशन की जरूरत है तो इस चैनल पे आप लोग वीडियो देख सकते हैं. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल. और चैनल से मुझे याद आया, फिर से बोल रहा हूँ, इजान भाई की भी यूट्यूब चैनल है, उसे जरूर चेकआउट करना. मैं खुद अब इस वीडियो के बाद उस पे से वीडियोस बिंज वॉच करने वाला हूँ, तो आप लोग भी चेक करना इजान भाई की चैनल, काफी ज्यादा हेल्पफुल है. ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय.